वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में आज नया चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। तो उसका पार्ट ए जो है इस चैप्टर का, इस बुक में पार्ट ए जो है उसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रख देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सवाल ये जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में जरूर दे रखा है, लेकिन इस सवाल को टाइम एंड वर्क वाले लॉजिक से करना ज़्यादा आसान रहेगा। और ये फॉर्मूला अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, MDH वाला, अपॉन W 1111 और ये M2D2H2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला अपन नॉर्मली इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला कंपाउंड प्रोपोर्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, ए अनुपात बी, फिर यहाँ पे सम अनुपात, फिर यहाँ पे सी अनुपात डी, यहाँ पे बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर होता है, इस वाले लॉजिक से ही ये फॉर्मूला बना है। तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे इससे हो जाए, अगर इससे नहीं हुआ तो अपन इससे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले सवाल को, 12 पुरुष काम करते हैं 24 दिनों में, M1 12 है और D1 24 दे रखा है, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। M2 कितना है, 8 है और D2 आपको फाइंड करना है। H1 और W1 नहीं दे रखा है तो इसको 1 मान लो, ठीक है। ये कितना हो गया, 3, 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36। तो आपको आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी 36। बहुत ही सिंपल सा सवाल और ये चैप्टर इस बुक का सबसे सिंपल चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त अगर करना है मुझे तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इस बार M2 आपको नहीं गिवन है, लेकिन D2 गिवन है, कितना है 10, ये काट लो, ठीक है। 12 पंजे 60, यहाँ पर आ गया 1, 12 और 6 कितने हो गए 18, तो 180 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल, ये आप खुद ही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, अगेन सेम सवाल है। आगे बढ़ते हैं, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी। बिल्कुल अगेन वही जो है सेम टाइप का सवाल है। देखो 2, 3 और 8 यानी 238 केजी चावल, ये कितने दिन के लिए चलते हैं, एक सप्ताह के लिए चलते हैं। ये जो है एक सप्ताह के लिए चलते हैं, मतलब 7 दिन के लिए चलते हैं। देखो 7 दिन के लिए 238 चलते हैं, तो 49 डेज के लिए अगर आपको चावल चलाना है तो आपको कितने चावलों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपने 49 को क्या किया है, 7 गुणा कर लिया आपने, 7 दिन 7 गुणा टाइम पीरियड आप ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे 7 गुणा। तो 7 और 8 कितना हो गया 56, 7 या 21 और 5 कितना हो गया 26, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, 14 और 2 कितने हो गए मेरे पास 16। तो 1666 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक सप्ताह के लिए 238, देखो सिंपल सा सवाल है, अगर 7 दिन की बात करें तो 238 किलो जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि मुझे 49 दिनों के लिए खाना चलाना है, मतलब आपने टाइम पीरियड 7 गुणा बढ़ा दिया, तो इसको भी आप 7 गुणा करोगे, तो बस आपको 7 गुणा करने पर आपको एक्चुअल जो है इसकी वैल्यू मिलेगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर, यदि एक बाल्टी का 4/5 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। 4/5 भाग भरने में 1 मिनट लगता है तो पीछे बचा हुआ 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, 1/4 है वो इधर आ जाएगा और 5/9 इधर गुणा में आ जाएगा, ये बटा वाला 9 इधर आ जाएगा ऊपर, 9 से 9 कट गया, ये यहाँ से हटा देते हैं, कितना आ गया 5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5/4 मिनट्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट भर सकते हैं तो बाकी भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो 3/16 भाग भरने में 15 मिनट लगते हैं तो पीछे कितना बच रहा है 13/16, 1 − 3/16 करोगे कितना आएगा 13/16, इसको भरने में कितना समय लगेगा तो 15, ये चीज आ जाएगी इधर बट्टा में, बट्टा वाला 16 इधर ऊपर लिख दो और ये है, तो इसको अपन 13/16 यहाँ पे लिख देते हैं, 16 से 16 काट देते हैं, 3 से 5 बार में 13 × 5 कितना आ गया 65, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 65 मिनट। अगला सवाल, यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो एक आदमी एक दिन में किसी काम को समाप्त कर लेता है, तो मान लेता हूँ कि 1 यूनिट जो है किसी आदमी की एफिशिएंसी है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है इनटू 1 करेंगे तो यहाँ से आपको 1 ही मिलेगा, ये 1 मान लिया टोटल वर्क है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक आदमी की एफिशिएंसी को 1 यूनिट मान लिया, अब 1 यूनिट के हिसाब से 1 दिन काम किया जा रहा है, इसका मतलब टोटल वर्क कितना किया गया, 1 यूनिट किया गया,
तो ये कह रहा है कि पांच आदमी मिलकर इससे पांच गुण अधिक कार्य को कितने समय में करेंगे। पांच गुण अधिक कार्य, पहले अगर एक यूनिट काम था तो इस बार कितने यूनिट का काम है, पांच यूनिट का काम है। और ये पांच यूनिट कौन कर रहे हैं, पांच आदमी। एक आदमी की एफिशिएंसी एक है तो पांच आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी, पांच होगी। तो इसमें पांच का डिवाइड लगा दो, घूम फिर के आप वापस कहाँ पे आ गए, एक पे आ गए, तो अगेन इसका आंसर कितना हो गया, वन डे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ पे देखो क्या है कि काम को भले पांच गुणा किया है लेकिन आपने आदमियों को भी तो पांच गुणा किया है। आगे बढ़ते हैं। एक कैंप में भाग लेने के लिए 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 1600 व्यक्ति अगर आते हैं तो वो 60 दिन तक आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके, 1200 व्यक्ति ही आए केवल कैंप में, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। 1200 जने ही आए तो ये इस बार कितने दिन लगेंगे, वही MDH वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे काट लेते हैं, 20 से 20 काट लिया, ये पांच बार में कट गया, 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन सी 80 डेज। आगे, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है। 20 दिनों बाद 50 सैनिकों ने किला छोड़ दिया तो बाकी बचा भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखो 150 सैनिक है, अगर वो आराम से रहते हैं तो 50 दिन तक खाना खा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 20 दिनों के बाद में 50 सैनिकों ने मतलब किला छोड़ दिया। मतलब 20 दिनों तक तो 150 सैनिक काम कर रहे थे, उस किले के अंदर रह रहे थे 20 दिनों तक, लेकिन 20 दिनों के बाद 50 जने चले गए तो पीछे कितने सैनिक बचे, 100। कितने दिनों तक बचे वो आपको फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लग लेता हूँ टी, बस आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जीरो और ये जीरो, ये कैंसिल आउट कर लेते हैं। उसके बाद एक और जीरो है, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया प्लस का टी। क्लियर, ये यहाँ पे जब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, यानी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 45, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 21 जिल्द साज है, जिल्द साज पता नहीं क्या होता है, 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। काम कितना कर रहे हैं, 1400 पुस्तकों का, कितने दिन में समाप्त कर लेता है, 15 दिनों में। ठीक है, तो 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में समाप्त करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। मेरे हिसाब से जिल्द साज का मतलब होगा किताबों का बंडल इकट्ठा करने वाला। आगे देख लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट कर दिया, उसके बाद में 2 से इसको काट लेते हैं 10 बार में, 2 से काट लो इसको 4 बार में, फिर उसके बाद में वापस काट लो 4 से काट लेते हैं। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 7, ये आ गया इधर 21, 3 से काटा, मतलब 21 को 7 से काटा 3 आ गया, उसके बाद 5 को इसको काट दिया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 × 3 कितने हो गए, 9। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगा, तो वो MDH वाला जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था वो वाला फॉर्मूला लगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपभोग करते हैं तो 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी चावल का उपभोग करेंगे। 60 आदमी 14 दिनों तक 280 किलो का उपभोग करते हैं। उपभोग करना मतलब एक तरीके से काम ही तो कर रहे हैं, यानी W1 हो गया 280 केजी। 30 आदमी कितने दिन तक 120 केजी चावलों का उपभोग करेंगे, वही MDH वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखाया था। ये कट गया देखो 4 बार में, उसके बाद 4 से इसको काटते हैं, ये कट गया 70 बार में। ठीक है, उसके बाद 7 से इसको काटा 2 बार में, 7 से इसको अगर मैं काटता हूँ ये आ गया 10 बार में, 5 से डायरेक्ट ही काट देते, 5 से ही आ गया 12। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डेज, ऑप्शन बी। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते 24 दिनों में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, एम फिर डी एच अपॉन W, फॉर्मूला लग गया। तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो सबसे पहले 8 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, 3 से इसको काट लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया, 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में 6 से अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मुझे 3 मिल गया, तो यहाँ पे 3 × 460 करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 18, 4 से 12 और 1 13, 1380 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की ओर।
सात आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सात आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उससे दुगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। देखो मैं मान लेता हूँ एक आदमी एक दिन में एक यूनिट का काम कर सकता है, तो सात आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, सात यूनिट। अब एक दिन में सात यूनिट काम हो रहा था, 12 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो 12 × 7 कर लेंगे, तो 12 × 7 कितना हो गया, 84। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना है, 84 यूनिट का, क्लियर है। तो उससे दुगुने काम यानी 84 का डबल काम करना है इस बार, 84 × 2 कौन कर रहा है, 8 दिन के अंदर अंदर कितने पुरुष करेंगे ये आपको चेक करना है, कितने अतिरिक्त पुरुष करेंगे। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी आपने एक मानी है, एक पुरुष की एफिशिएंसी आपने एक मानी है और 8 दिन में समाप्त करवाना है मुझे, तो यहाँ पे 8 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेता है ये आ गया 4, ये कितना आ गया इधर सॉल्व करने पर 21, मतलब 21 पुरुष जो है टोटल लगेंगे। अब 21 में से 7 तो मेरे पास पहले से ही थे, तो आपने अतिरिक्त पुरुष कितने लगाए क्वेश्चन में आपने पूछा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 पुरुष आपने अतिरिक्त काम पर लगाए, तो 14 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है, पहले से दुगुनी दूरी को दुगुनी चाल से प्रतिदिन दुगुने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। देखो 9 घंटे विश्राम करता है और 40 दिन में एक दूरी तय कर लेता है, ठीक है। 9 घंटे अगर विश्राम करता है 24 घंटे में से, 9 घंटे अगर विश्राम करता है 24 में से, तो पीछे कितना बच गया मेरे पास, 15 घंटे। इसका मतलब वो पर डे 15 घंटे काम करता है और इस तरीके से वो 40 दिन तक काम करता रहता है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड मान लिया मैंने 1 इकाई एक बार के लिए। अब आगे दूरी कितनी तय कर रहा है, तो दूरी मान लो मैं 1 दूरी तय कर रहा है, 1 यूनिट की दूरी तय कर रहा है, क्लियर। ये कह रहा है पहले से दुगुनी दूरी, दूरी एक नहीं है इस बार, दूरी कितनी तय करनी है मेरे को, 2 तय करनी है, और दुगुनी चाल से, पहले चाल एक मानी थी, इस बार चाल कितनी है उसकी दुगुनी हो गई है, प्रतिदिन दुगुने समय के लिए विश्राम करके, पहले 9 घंटे विश्राम करता था लेकिन अब कितना विश्राम कर रहा है, 18 घंटे विश्राम कर रहा है वो, तो काम कितने घंटे कर रहा है, 24 − 18 यानी 6 घंटे काम कर रहा है, तो कितने दिनों का समय लगेगा, कितने दिनों का समय लगेगा ये आपको फाइंड करना है। यानी इनडायरेक्टली घूम फिर के वही MDH वाला फॉर्मूला जो अब मैंने आपको पहले सवाल में लिखाया था वही यूज आ रहा है यहाँ पे। तो 2 से 2 काट देते हैं, फिर इसको काटते हैं, देखो 2 से 3 बार में, ये 2 से 20 बार में, फिर इसको काटा यहाँ पे, ये 5 बार में कट गया, 5 × 20 कितना हो गया, 100। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 100 डेज। आगे बढ़ते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिनों में बना सकते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में एक सभागार को बना सकते हैं। यह कह रहा है कि इस बार 16 गुना बड़ा सभागार है, पहले अगर 1 यूनिट जितना सभागार था तो इस बार 16 यूनिट जितना सभागार है, और 6 कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी है तो आपको फाइंड करना है। 6 घंटे प्रतिदिन काम किया जा रहा है और 27 दिन तक काम किया गया, ठीक है। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 6 अगर मैं काट लूं, उसके बाद 9 से 3 बार में कट गया, 9 से 2 बार में कट गया, ठीक है, और 3 से इसको काटता हूं तो यहां पे मुझे कितना मिल गया, 10 मिल गया। 16 × 2 कितना हो गया, 32, और 32 × 10 कितना हो गया, 320। तो ऑप्शन ए 320 यूनिट्स, 320 मैन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 1/2 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई है, तो कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या हुआ कि काम पर 280 मजदूर लगे हुए थे, ठीक है, और यह एस्टिमेट किया गया कि वो लोग 100 दिन में काम पूरा कर लेंगे, ठीक है, 100 दिन में काम पूरा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही 3.5 किलोमीटर का काम पूरा होगा, यानी मैं कह सकता हूँ इन लोगों ने 3.5 किलोमीटर का काम हुआ है, ये 3.5 किलोमीटर का काम कब हुआ, जब पूरे के पूरे 280 मजदूर जो है काम पर थे, लेकिन जैसे ही 80 दिन हुए तो पता चला कि कुछ काम तो अभी बाकी रह गया, तो अब आपको कितने और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। इसको देखो ध्यान से एक बार ऑफिस से देख लेते हैं, भाई 280 मजदूर मेरे पास पहले थे, ठीक है, इन 280 मजदूरों ने 80 दिनों तक काम किया, केवल और केवल 80 दिन तक काम किया, और 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर को कितना लिख सकते हो आप, 7/2 लिख सकते हो, यानी 7/2 किलोमीटर जितना काम अभी तक पूरा होगा, अभी भी 1.5 किलोमीटर यानी 3/2 किलोमीटर बाकी है। इसको करने के लिए 280 मजदूर तो काम पर थे ही, इसके साथ एक्स मजदूर आपने और लगा दिए, जो कि आपको फाइंड करना है, और इस प्रकार अब 20 दिनों में काम खत्म हो गया।
काम मुझे 100 दिनों में खत्म करवाना था, निर्धारित समय कितना है अपना 100 दिन है, तो 80 दिन तो पहले ही बीत गए, अब मतलब मुझे 20 दिनों के अंदर अंदर काम खत्म करवाना है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, उसके बाद में 7 से इसको अगर मैं काटता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 40, और 20 से इसको काटता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 2, ये 2 जब इस तरफ आएगा तो कितना हो गया 3 × 2 = 6, और 6 × 8 कितना हो गया 48, यानी 480 बराबर कितना 280 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 200 मिल रही है, यानी आपको 200 अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। कितने और लोगों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 200। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 3 आदमी या 6 लड़के काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, चाहे 3 आदमी काम करे चाहे 6 लड़के काम करे, काम तो 40 दिन में ही पूरा हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ ये दोनों कार्य इक्वल है। यहाँ से एम अपॉन बी मिल गया आपको, एफिशिएंसी कितना आएगा 40-40 कैंसिल आउट हो गया, 6/3 कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा 2/1, ठीक है, ये 2/1 आप चाहे यहाँ पे रखो चाहे आप यहाँ पे रखो तो टोटल वर्क आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जब 2 रखते हो तो 2 × 3 कितना होगा 6, और 6 × 4 कितना होगा 24, यानी ये अपना टोटल वर्क है। और ये टोटल वर्क इस बार मुझे किससे करवाना है, 6 आदमी और 8 लड़कों से ये काम मुझे करवाना है। आदमी की एफिशिएंसी 2 है, यानी ये कितना हो जाएगा 12, लड़के की एफिशिएंसी 1 है तो 1 × 8 कितना हो गया 8, टोटल मिलाकर इस ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 20, तो इसमें 20 का डिवाइड लगा देते हैं, इसको अपन ने कैंसिल आउट किया, मुझे कितना मिल गया 12 डेज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे खूब सारे सवाल टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के अंदर अपन ने किए हैं, जो भी अपन ने 19 सवाल किए हैं सारे के सारे इस टाइप के सवाल अपन ने टाइम एंड वर्क के अंदर भी किए हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी एक बार जरूर जाके देख लो, वहां से आपका लॉजिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर अपकमिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।